कि इस माननीय सदन में 26 मई को मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत अब तक लगभग 124 सदस्यों ने अपने अमूल्य विचारों को रखा है और अपने महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमें मिलकर के कैसे कार्य करना है, ये सब जानने का एक अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। और मैं खास तौर पर इस बात के लिए भी सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि कई वर्षों के बाद सदन में इतनी गंभीर और इतनी समृद्ध चर्चा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे न केवल सदन की गरिमा बढ़ी है बल्कि लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आम जनमानस में सम्मान का भाव भी बढ़ेगा और इस वजह से पूरे सदन को और खासतौर पर अध्यक्ष जी आपको आपका अभिनंदन करता हूं, पूरे सदन के सभी मान्य सदस्यों का, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सत्ता पक्ष के 75 और प्रतिपक्ष के 49 मान्य सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार इस सदन में रखे हैं। सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी बातें यहां पर कही गई, नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण के दौरान मैं स्वयं ही यहां पर था, से अन्य प्रोसीडिंग को भी मैंने अपने पास मंगा करके उसको देखने का पूरा प्रयास किया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो भी सुझाव या बातें माननीय सदस्यों ने सदन में रखी हैं सरकार उसको आगे बढ़ाए और उनको मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके प्रदेश के विकास के लिए माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप हम उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने अपने भाषण को यहां पर बजट के दौरान मजबूती से रखा है, लेकिन कभी कभी वह अपने भाषण में फिसल भी जा रहे थे, मैं उस पर आगे चर्चा भी करूंगा। और खास तौर पर उन्होंने एक बात कही कि जो आज महोदय इससे पहले एक कार्यक्रम में मैं था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भेजने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 किसान उससे लाभान्वित हुए हैं और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 12,00,00,000 किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सालाना इस योजना के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं थी, लाभार्थी परक योजनाओं के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिले हुए इज्जत घर के बारे में
या फिर सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आयुष्मान भारत है, और भी तमाम योजनाएं जो लाभार्थी परक योजनाएं थी उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी बनाया। और माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है, उनको एप्रिशिएट किया है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की भावना से प्रेरित है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा, और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलंबन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की, गरीबों को सशक्त बनाने की, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की भावना से प्रेरित ये योजना है, और इस दिशा में मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भाषण बजट पर केंद्रित होते तो लोग मानते, जो भी रहा होगा, मैं खैर उस पर आऊंगा भी। लेकिन बजट पर ये भाषण केंद्रित होता, क्योंकि प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। और यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति तो इस बात को मानती है कि शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और फिर यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में, यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा, और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए जो वर्तमान के लिए भी, भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। और इसी दृष्टि से मैं कह रहा था, जैसे
नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया, सबने किया। चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी चौथी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय परिणाम क्या है, और परिणाम वही रह सकता है जो समस्या पर कम समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिंता हो जाए। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का कमजोर है, इतनी बड़ी आबादी 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हो गई, कोरोना को भी दुम दबा करके भागना पड़ा। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर जो परिणाम आए, मैंने पिछले दिनों वे सभी बातें आपके सामने रखी थी, बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार की मंशा सही हो, और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, आप परिणाम नहीं दे पाए तो उसमें क्या है, उसका भी फर्क साफ है। फर्क साफ है, और फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने 10 मिल जाते हैं, जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है, और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ किया जाना है उसका समाधान भी हमारे पास है, और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं योजनाओं को फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है
उन्हीं को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। महोदय, मैं यहां पे हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया है इस माननीय सदन में 26 मई को, और ये सच है बजट का दायरा अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थी प्रदेश की, इस देश प्रदेश का जो पहला बजट आया था 1947 में, उस समय की स्थिति क्या थी प्रदेश में। मैं माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, जो पहला बजट आया था प्रदेश का वह था कुल 103 करोड़ रुपए का 1947 में, और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह थी 267 रुपए, और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपया। 1947 में जो देश की जीडीपी थी वह 9530 करोड़ रुपए थी, और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह थी 1628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लंबी यात्रा तय की, अनेक चुनौतियां आई, इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की, और लंबी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है। जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इनकम जो देश की है नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यूपी की थी, लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गए, 70 वर्षों में हम यूपी को कहां लेके चले गए। 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी। ये 1/3 रहना क्या साबित करता है, हम इसके लिए केवल आपको नहीं ब्लेम कर रहे, आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और देश की उत्तर प्रदेश की 259 1947 में, क्या कारण है कि हम 16-17 में आते आते ये देश की प्रति व्यक्ति आय की एक तिहाई हमारी रह गई। कहां हम लेके जा रहे थे यूपी को, कोई बात तो होगी, देश विकास कर रहा है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी 1947 में और 2016-17 में और फिर आज 22-23 में। मुझे लगता है सभी माननीय सदस्यों को इसके बारे में इस चिंतन को आगे बढ़ाना होगा कि अगर 1947 और यूपी में पोटेंशियल है और विगत 5 वर्ष के अंदर जो कुछ किया गया है उसी 5 वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हमने कोई ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, ये कोई स्कीम पार्टी के नाम पर नहीं होती है, कोई स्कीम व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है, उनके विकास के लिए हुआ है, और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ बजट जोड़ने के लिए
आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आए हैं। महोदय, जब तक हमारे लक्ष्य ऊंचे नहीं होंगे तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी, और लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का, वह लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया इस माननीय सदन में, तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दोगुना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए। और ऐसा नहीं कि इस दौरान कार्य न हुए हों। महोदय, अगर मैं 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो विकास, जो पैसा खर्च हुआ, वह 12,48,102.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और 2017 से 2022 के बीच, मार्च 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, ये पैसा खर्च हुआ है 19,10,459.97 करोड़, यानी अगर मैं बताऊं तो 6,62,357 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उस 5 वर्ष की तुलना में इस 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए, अन्य योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च हुआ है। और इस दौरान प्रदेश में हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी छेड़ा है, कोविड प्रबंधन का कार्य भी हुआ है, औद्योगिक विकास को एक नई गति दी है, और इन सभी कार्यक्रमों के साथ अगर आप विकास की दर की बात कर रहे थे, 2021-22 की पहली तिमाही में जो प्रदेश की जीएसडीपी थी, उसकी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% थी। 19.6% के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के विकास की दर को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2016-17 के बजट में जब हम वर्तमान बजट की तुलना करते हैं तो बहुत दो चीजें बहुत साफ होती हैं। एक, 16-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का जो कर था वो मात्र 29% था, यानी हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे थे, और इस दौरान 5 वर्ष में राज्य का जो राजस्व बढ़ाया गया है वह हम लोगों ने 36.5% का बढ़ोतरी इसमें की, यानी इतना हमारा ये बढ़ा है, बजट दुगना हुआ है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व चोरी को रोका गया है, और आज जो प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन कर रही है, यह एक महत्वपूर्ण बात प्रदेश के अंदर इस बजट में, इस सरकार की विगत 5 वर्ष की कार्य पद्धति में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ महोदय, 16-17 में बजट का जो 15.88% हिस्सा था, जो वित्त पोषण होता था, वह ऋणों के माध्यम से होता था, बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता था। लेकिन 22-23 में जब बजट प्रस्तुत किया मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने, तो वह 15.88 यानी 16% की तुलना में मात्र 13% रह गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमारी निर्भरता मात्र 13% है, शेष अपने स्रोत से
या केंद्रीय कर जो हमें हमारा हिस्सेदारी है वहां से हमें प्राप्त हुआ है और प्रदेश के बजट के आकार को भी बढ़ाने में हमें मदद मिली है। पहले बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8% जो धनराशि होती थी बजट की वह हम लोग पुराने ऋणों के देय में खर्च करते थे। बजट का दायरा बढ़ा है तो वह अब घट करके 7.6% रह गया है, यानी हम उसको भी कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही नहीं, हमने इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश की जो कुल GSDP प्रदेश की 16-17 में 11.37% थी, आज वह लगभग 22-23 में 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है और यहां तक हम उसको पहुंचाने की स्थिति में है। यानी एक बढ़ोतरी जो हुई है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश की GSDP को बढ़ोतरी करने में भी हमें इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। और महोदय यही नहीं, जो प्रदेश का बैंकों का जो व्यवसाय था, जो उनका CD रेशो जिसको आप कह सकते हैं, इसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। खासतौर पर अगर हम देखेंगे बैंकों से जो हम एक कॉमन मैन लोन देता है, जितना उसका व्यवसाय होता है उस व्यवसाय में कॉमन मैन को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है 46% से बढ़कर के आज 52% से अधिक हो चुकी है। यानी दिखाता है कॉमन मैन अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है, बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ा है, प्रदेश में जो एक तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, दूसरा प्रदेश में जो ऋण वितरित हुए हैं, खासतौर पर अगर 12 से 17 के बीच में हम देखेंगे 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ, लाख करोड़ का ऋण वितरित हुआ था, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 9.952 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है बैंकों के माध्यम, यानी CD रेशियो में इतना परिवर्तन हुआ है। अगर महोदय हम प्रदेश के बजट प्रबंधन की बात करें, उत्तर प्रदेश का बजट प्रबंधन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी पहले 3 वर्ष तक FRBM की जो सीमा थी उसके अंदर हम लोगों ने बजट को रखा था। भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इस सीमा को जब 4.5% किया तो तब भी हम लोगों का 3.96% तक FRBM की सीमा भी उत्तर प्रदेश की आज भी है। इतने बजट के दायरे को बढ़ाने और प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इन बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के बावजूद भी महोदय बहुत सारी चीजें यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण में अपने यहां पर संबोधन में सदन के सामने रखे हैं। ये हमारी सरकार का 6वां बजट था और अगर मैं सरकार के पिछले जो बजट रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहली बात तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र के बातें ज्यादा याद आ रही थी और मुझे प्रसन्नता है राजनीतिक दलों को एक दूसरे के संकल्प पत्र को देखना चाहिए, उसका अवलोकन भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उपयोगी हो सकती हैं और उन चीजों को हम लोग लागू भी कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में
व्यापक बदलाव और परिवर्तन लाने के कारक हैं। ऐसे 130 संकल्प हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे थे। पहले ही बजट में उन 97 संकल्पों को हम लोगों ने इसके साथ स्थान दिया है और इसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन सभी योजनाओं के लिए प्रस्तुत की है। ठीक कहा उस समय हमारे माननीय सदस्य एक सदस्य ने, इस जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 साल के अंदर लागू होना है, लेकिन फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष की उतावलापन इतना ही ज्यादा है तो भी 97 योजनाओं को हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है और जो शेष 35 योजनाएं हैं उन 35 को हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो जनता से कहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो जो कहा है संकल्प है तो संकल्प का फिर विकल्प और बहाना हम लोग नहीं ढूंढते, हम तो उसको लागू करना है तो लागू करना है और वो प्रदेश के लिए हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग नई तरीके से लेकर आगे बढ़ा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। महोदय, हम लोगों ने विगत 6 जो बजट प्रस्तुत किए हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने, पहला बजट 2017-18 में हमने प्रस्तुत किया था, वो हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। आपने देखा होगा अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया था सफलतापूर्वक। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया। 2019-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति को समर्पित किया। यह बजट महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। तो 2020-21 का हमारी सरकार का जो बजट था वह प्रदेश के युवा ऊर्जा के लिए, अपने युवाओं को समर्पित करते हुए उनके रोजगार, उनके उन्नयन और उनके स्वावलंबन के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। डिफेंस एक्सपो भी इस अवसर पर प्रदेश में हुआ था। 21-22 का जो हमारा बजट था वह राज्य के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण को समर्पित था। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज में वंचित तबका है, इन सभी के लिए बजट में हर बार उसका कुछ ना कुछ प्रावधान होता था लेकिन फोकस था इन सभी बातों को लेकर के। और महोदय, ये 5 वर्ष में 5 थीम के साथ कार्य करने का जो परिणाम था, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उसी का लाभ हमें दिया है, उसी का आशीर्वाद दिया है कि आज हम लोग फिर यहां पर समाधान के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। और आप 5 साल पहले भी समस्या को लेकर के ढो रहे थे, आज भी उस समस्या को समस्या कह करके ही उसको ढोने के लिए अभिशप्त हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी सोच की गलती हो सकती है, हमारी नहीं। और 2022-23 का जो बजट है, यह बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की तर्ज पर हम लोगों ने प्रस्तुत किया। महोदय, मैंने पहले कहा कि 2000 यानी इससे पहले बजट का दायरा हमारा दुगने से अधिक हुआ है। प्रदेश में यहां पर जीएसडीपी की बात कर रहे थे कि वृद्धि दर, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे 2012-13 से 2016-17 के बीच जो औसत वृद्धि दर थी जीएसडीपी की, वह
12.28% थी, जबकि 2017-18 से लेकर 2018-19 में औसत वृद्धि दर हमारी 13.71% थी। आपके 5 साल के कार्यकाल का जो एवरेज था उससे ज्यादा पिछले यानी पहले 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर थी। कोविड संक्रमण और के कारण पूरे दुनिया में, देश में और प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर पड़ा। वित्तीय क्षेत्र भी उससे अप्रभावित नहीं था, लेकिन 19-20, 20-21 और 21-22 में हम लोग इस को उस स्थिति में पहुंचाने में थोड़ी हमारे सामने भी चैलेंज आया था। लॉकडाउन था, एक लंबे समय तक लॉकडाउन के दौरान मार्केट बंद और व्यापारिक संस्थानों में कठिनाई आई थी, एक्सपोर्ट रुका था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन पहले 21-22 का जो प्रथम त्रिमास था, इसमें जो मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो वृद्धि दर थी वह 19.6% रही है, और ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा की तरफ आगे फिर से बढ़ चुका है, और यह प्रदेश के अंदर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है, दिखाता है कि उत्तर प्रदेश संभावना वाला प्रदेश था, जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस पोटेंशियल को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके प्रदेश के हर तबके के हितों के लिए कार्य किया। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं किया, हमने किसी वाद के आधार पर नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई गई। जो तबका वंचित था, गरीब था, दलित है, अति पिछड़े हैं, उनके लिए उस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, और उन योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान तमाम राज्य सरकारों ने, देश के अंदर बहुत सारी राज्य सरकार थी जिन्होंने वहां पर वेतन में कटौती की, नए टैक्स लगाए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का, कोई भी राज्य देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा है, आधे से ज्यादा नहीं। उस सब के बावजूद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ, अपनी पूरी संवेदना के साथ हम लोग खड़े रहे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाया गया। कोरोना कालखंड में सरकार जनता के साथ खड़ी रही, स्ट्रीट वेंडर हैं, श्रमिक हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भरण पोषण भत्ता देने का कार्य रहा हो, या फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए, लेकिन कोई नया टैक्स हम लोगों ने प्रदेश की जनता पे नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। और यही नहीं, हमने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पे उनका वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया, पेंशन भी दी, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन को एडवांस भी दिया, और उसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी करके भी उस दौरान उनको उपलब्ध करवाने का काम किया गया। संकट के उस दौर में सरकार उनके साथ खड़ी थी, लेकिन इसका कारण क्या था? हमने बजट का दायरा बढ़ाया, हमने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। पहले तो भारत सरकार कहती रहती थी, पत्र लिखते लिखते थक जाती थी कि प्रधानमंत्री आवास ले लो, राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था। स्वच्छ भारत मिशन में इन गरीबों के लिए शौचालय बना लो, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमाम माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहां पेयजल की समस्या आ सकती है, हैंडपंप की बात कर रहे थे, भारत सरकार कहती थी हम पाइप पेयजल स्कीम देना चाहते थे, आप ले लीजिए, राज्य सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था।
लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की बात होती थी, राज्य सरकार के द्वारा कोई यहां पे रिस्पांस नहीं होता था। किसी भी योजना में एकदम वैराग्य भाव भ्रष्टाचार से होता तो अच्छा होता, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आपका जो वैराग्य भाव था, जनता ने आपको उसकी सजा दी है और लगातार दे रही है, लेकिन आप प्रदेश की इनकम को भी नहीं बढ़ा पाए थे। महोदय, 16-17 में जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो राज्य का जो कर था वह 86,000 करोड़ रुपए था, और जब हम 21-22 में अपना बजट प्रस्तुत किए तब राज्य कर का कितना बढ़ा मालूम है आपको? वह है 1,55,000 करोड़ का, दोगुने, लगभग दोगुना हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाया है। इसी प्रकार से 16-17 में सेल टैक्स और वैट की कुल राशि आती थी वह 51,800 करोड़ रुपए की थी, कुछ टारगेट ही इतना था आपका। और वर्तमान में कोविड के बावजूद हम लोग जो नेट हम लोगों ने जीएसटी और वैट प्राप्त किया है 90,000 करोड़ रुपए प्राप्त किया है, 90,000 करोड़ रुपए। एक्साइज में 2016-17 में 14,273 करोड़ रुपए मात्र प्रदेश को मिलते थे, और महोदय आज 21-22 में हमने प्राप्त किया है 36,321 करोड़ रुपए। 14,000 और 36,000 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 16-17 में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो राजस्व आता था वो आता था 11,564 करोड़, लेकिन 21-22 में जो राजस्व आया है वो आया है 20,045 करोड़ का, कोई अंतर ही नहीं है क्या? परिवहन में 16-17 में आया था 5,148 करोड़ और 21-22 में आया है 7,159 करोड़। प्रदेश का जो राजस्व बढ़ा है इसने विकास के दर को भी आगे बढ़ाया है। बजट के ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये प्रस्तावित नहीं है, ये वास्तविक आ चुका है ये, और उसी की बात मैं कर रहा हूं, अभी प्रस्तावित वाली बात नहीं किया हूं। और महोदय ये चीजें बताती हैं कि प्रदेश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, पारदर्शिता बरती, ईमानदारी के साथ 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाया, और आज उसका परिणाम प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महोदय, हम लोगों को जो इस सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, टीम यूपी के रूप में जो सामूहिक प्रयास था उसका परिणाम भी सामने आया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में काफी हद तक एक सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में विश्वास जागृत हुआ है, देश और दुनिया में हर व्यक्ति आज एक विश्वास की नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं वाला प्रदेश था आज बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश कहां होगा यह देखने की स्थिति उसके सामने होगी। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है, गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा
पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर ले ना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती, गाय का गोबर आप इसीलिए चाचा के, यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के, संस्कार से लेकर के, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को, जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता और गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते और आप ये नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते, हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है सभी के लिए, सभी के लिए। ऐसा कुछ देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है, हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई और नहीं समुदाय के लिए भी, सारी समुदाय के लिए हमने, कोई समुदाय ये नहीं कह सकता कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, एक बात बताऊं मैं, 43.5 लाख आवास बने हैं और इस 43.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया है उत्तर प्रदेश के। और बकायदा बकायदा उसके नंबर हैं, उनके नाम हैं, और अगर आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में आपको मैं पूरी सूची भी उपलब्ध करा दूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, वह उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है विधानसभा सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा पहले ही भाषण में हमने इस बात को कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, तुष्टिकरण नहीं करेंगे, विकास सबका होगा। योजनाओं का लाभ कोई ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस एक सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया, यानी उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके मना किया गया, कोई नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी इस प्रकार की बात नहीं कह सकता, राशन देने में या किसी भी योजना के लिए। हम लोगों ने तो अभियान चलाया, जिनके राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड बनाओ। आपके पास, मेरे सामने बात आई कि साहब हमारे पास समय वो नहीं, मैंने कहा प्रावधान करो, समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं, उस कोटा को क्रिएट करो, ये सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति कोई वंचित ये नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला। हम लोगों ने सबको उसको देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी सभी उसी के हिस्से हैं।
लोकतंत्र सेनानी के भी पेंशन की राशि को हम लोगों ने बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा के 20,000 किया, और बढ़ा रहे ना उसको, सब सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, सभी फेज वाइज सभी होंगे, अभी ये सभी कार्यक्रम फेज वाइज आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें बहुत उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती भी बन रही है, और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते हैं जरूर जलाते हैं, वैसे जलाना चाहिए, अच्छा है। लेकिन आपने फिर भी गो को गो माता कहा, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और गौ की रक्षा होनी चाहिए, अगर हमें प्राकृतिक खेती का यानी नेचुरल फार्मिंग के प्रधानमंत्री जी के विजन को जैसे ही धरातल पर उतारेंगे, बहुत सारे हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, और बजट में बुंदेलखंड को तो हम लोगों ने खासतौर पर इसके लिए चयनित किया, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में 5-5 किलोमीटर के दायरे में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है, और हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के अन्नदाता किसान हैं वे इसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। गाय के गोबर से अब तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, वो स्वावलंबन का आधार बनेगा, यानी केवल नेचुरल फार्मिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी उससे बनाए जा सकते हैं जो हर एक किसान का और पशुपालक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित मत रखिए, और मुझे लगता है कि अगर गाय का दूध के बजाय मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा सचमुच किए होते नेता प्रतिपक्ष, तो संभवतः गाय माता की भाषा बोले भी होते, बड़ी सार्व बुद्धि से अपनी बात कहे होते। लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई देगा, गाय का कम था। लेकिन फैट कंटेंट की जिससे लोग बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और उनको जिस रूप में कार्य करना है तो लोग बोलते हैं तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लोग उसी तर्क पर काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की, कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था, और मैं जरूर नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है, और जो कार्य हुआ है हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। हमारे वहां के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे, और उनके द्वारा भी इस बारे में कहा गया। वर्तमान में इत्र का 800 करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है उनसे, अकेले कन्नौज से। लेकिन इसको एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ पिछले 5 वर्ष में 55 नई इकाइयां लगी हैं आपकी कन्नौज में, सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत चयन करने के बाद। यद्यपि पहले से भी वहां इकाइयां थी, 375 इकाइयां वहां काम कर रही हैं, और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने 2.7 मिलियन US डॉलर के निर्यात यानी इत्र निर्यात किया गया है यहां से। ये उत्तर प्रदेश शासन की उस योजना को जो हम लोगों ने उस दौरान भी इसको थमने नहीं दिया है। आप लोग घोषणा करने में बड़े माहिर थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। 2017 में परियोजना के लिए 30 एकड़ खेती जो 30 एकड़ जो उसके लिए लैंड थी उसमें हम लोगों ने उस पार्क के लिए जो आवश्यकता थी उसमें 50 एकड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, जिसमें से 30 एकड़ पर इत्र पार्क और संग्रहालय कन्नौज के नाम पर इस कार्यक्रम को राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया,
30 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। आईआईटी कानपुर को थर्ड पार्टी के रूप में इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है और वहां पर व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये कन्नौज की इत्र की खुशबू वैश्विक स्तर पर अब दमक रही है क्योंकि सरकार ने उसको प्रोत्साहन दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर हंस रहे थे, ये क्या है? ये हमारी परंपरागत उद्यम का हिस्सा है, उन्हें प्रोत्साहन करने का। ये हमारे पूर्वजों की एक थाती है, हमें जो विरासत में प्राप्त हुई हजारों वर्षों से, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उस संभावनाओं का प्रदेश बनाया था, यह हमारी विरासत का प्रतीक है। और इसीलिए आज देश के सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट यूपी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन इस मामले में प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट आज नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर उनकी अपनी एक अमिट छाप और एक पहचान मिल रही है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा में गए थे तो वहां उन्होंने जो गिफ्ट भी दिया वह मथुरा से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट वहां दिया था, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। कैसे अपने परंपरागत उद्यम को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में हम कार्य कर सकते हैं, ये चीजें हम लोगों ने देखा और यही कार्य उत्तर प्रदेश में है। आप देख, जब 2017 तक मुरादाबाद का जो ब्रश का उद्योग था पूरी तरह लड़खड़ा सा गया था, लोगों में निराशा थी, कोई काम करता था ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना उनके पास डिजाइन थी। और इस सब के साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती थी, कोई कार्य प्रारंभ अपने रिस्क पर करता भी था, लेने के भी व्यवस्था करता था तो उनके सामने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको परेशान करने के लिए उल्टा आधमक पड़ता था। आज लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ब्रॉस का आइटम मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये पिछले 5 वर्ष के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां के उन उद्यमियों को शासन के प्रोत्साहन का ही परिणाम है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे ही भदोही का कालीन उद्योग एकदम बंदी के कगार पर था, आज लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कारपेट भदोही से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने फिरोजाबाद की बात की, फिरोजाबाद का ग्लास फिर से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और फिरोजाबाद एक नया विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद फिर से सरकार ने उनको तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें सीएनजी उपलब्ध करा रही है, हर प्रकार की सुविधाओं के साथ जोड़ना चाहती है और हर एक जनपद के लिए किसी न किसी एक प्रोडक्ट को जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। आज उसका परिणाम भी उस रूप में सामने आया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यूनियन बजट का हिस्सा बना है। आप तो अभी माननीय सांसद थे, आपने यूनियन बजट को देखा होगा, यूनियन बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया कि हर एक राज्य अपने यहां इस प्रकार की योजना को लागू करे। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2018 में इस योजना को लागू किया, आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अगर हम लोग 2016-17 की तुलना में आज देखेंगे, 16-17 में मात्र 85,000-86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो पाता था, आज 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश करने की स्थिति में कर रहा है और एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने डिफेंस कॉरिडोर की भी चर्चा की और उन्होंने सिविल एविएशन की भी बात की। महोदय, मुझे सबसे पहले हमने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे यहां सिविल एयरपोर्ट जो बन रहे हैं इस पर प्रदेश सरकार ने 5,694,98,00,000 रुपए खर्च किए। इसमें जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या, बरेली, आगरा, प्रयागराज, इन सब के साथ कार्य हुआ, जबकि 5,694,98,00,000 ये 5 वर्ष में हम लोगों ने दिए पैसे, और 12 से 17 के बीच में कितना पैसा दिया मालूम? ये दिया मात्र 654 करोड़ रुपए, और उसमें भी आपने बाद में पैसा डाइवर्ट कर दिया था, वो पैसा उस कार्य के लिए खर्च नहीं हुआ। आपने मेरठ के लिए 29.92 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, बाद में उसको भी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। और जेवर गौतम बुद्ध नगर के लिए, कुशीनगर के लिए, बरेली, आगरा, प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए ये राशि हम लोगों ने जारी की थी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय कोई भी चीज वहां पे लागू नहीं हुई, कोई पैसा उसके लिए आमंत्रित नहीं हो पाया। ये सच्चाई है, और अगर हम इसको और आगे बढ़ा करके देखेंगे तो प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के उसमें इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 2017 तक यानी मार्च 17 तक प्रदेश के 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का। 2 एयरपोर्ट आंशिक क्रियाशील थे, गोरखपुर और आगरा। इलाहाबाद तो कुंभ के समय हुआ है, मैं 17 की बात कर रहा हूं। 2017 से 22 के बीच हम लोग 9 एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं। पहले 25 गंतव्य तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी, आज एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 77 डेस्टिनेशन है जो जिनके साथ आज हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी है, और उड़ान योजना के अंतर्गत अभी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 एयरपोर्ट को और क्रियाशील करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए और उनको इस बारे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए सहमति दी है अपनी। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसको और बेहतर बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर जहां प्रारंभ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर की भी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर यूनियन बजट में डिफेंस कॉरिडोर की जो बात की थी वह 2018 के यूनियन बजट में इसकी चर्चा हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने 21-22 फरवरी 2018 में जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिला। डिफेंस कॉरिडोर में जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, इस 6 नोड पर हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने 2020 के फरवरी महीने में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी, यहां पर 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन लखनऊ में हुआ था, और उस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया उसके बाद 6 नोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे प्राप्त कार्यक्रम की आगे बढ़ाया, और अब तक हमारे पास 1,598.84 हेक्टेयर भूमि हम प्राप्त कर चुके हैं, और इसमें अब तक कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपए के
62 एमओयू हो चुके हैं लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई का कार्यक्रम भी आगे बढ़ चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश एक्सप्रेसवे के साथ साथ हम लोगों ने इन सभी एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों की तरफ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर ध्यान आकर्षित भी किया था और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको इन मुद्दों पर कोला बोलने का अधिकार भी था। उन्होंने अपनी बात को भी अपने तरीके से यहां पर रखा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वित्तीय समावेशन के लिए या अन्य जो भी इंडिकेटर हैं उन सब पर राज्य ने जो प्रगति की है आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो थीम था वह उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के बजाय कन्वर्जन के माध्यम से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना, जैसे इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए रूटीन के बजट के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई अलग से हम लोग की यह केवल इस कार्यक्रम के लिए होगा नहीं, पहले से जो बजट का प्रावधान हमने बजट में किया था उसको, लेकिन हां अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आ रही थी, यानी जब आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उसकी चिंता याद नहीं आ रही थी, तब वोट बैंक याद नहीं आ रहा था, तब उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन आज तो इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, आईटीसी स्थापित हुए, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हुए हैं, पीको मिनी पीको की स्थापना उन सभी जनपदों में की गई है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। जब कोरोना आया था हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी। पहली मार्च से हम लोगों ने 2020 में काम प्रारंभ किया और पहली लैब केजीएमयू में हम लोग मार्च अंतिम सप्ताह में स्थापित कर पाए थे, जिसमें 72 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हो पाई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर की हैं, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर के 2,00,000 टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे जहां पर हमारे पास एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। क्या ये पिछली सरकार की का दायित्व नहीं था? क्या ये पिछली सरकारों का दायित्व नहीं था कि वे भी इसके बारे में सोचे? लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज उस दिशा में एक प्रयास
को आगे बढ़ाने की स्थिति थी। और नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर तो 2016-17 के आंकड़े यहां प्रस्तुत कर गए कि कितनी दुर्गति है। वो दुर्गति हमारी सरकार के समय नहीं, अपनी सरकार के आंकड़ों को भूल से उन्होंने रख दिया था। खासतौर पर जैसे एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन इंडेक्स की जो आंकड़े वो दे रहे थे महोदय, वे 16-17 के आंकड़े थे जब उनकी सरकार थी, वे स्वयं सरकार में थे उस समय। सच था उत्तर प्रदेश एजुकेशन इंडेक्स में पीछे से 4 नंबर पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सुधरी है। बेसिक एजुकेशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा है। बेसिक एजुकेशन ऑपरेशन कायाकल्प हो या शासन के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी इन्हीं स्थितियों को लेकर के हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है महोदय। इसके साथ ही अगर मैं इन सभी चीजों को आपके सामने रखूंगा, समय लगेगा, अगर फुर्सत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनने की स्थिति होनी चाहिए और व्यक्ति बहुत तन्मयता के साथ सुने तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात को रखते समय इन चीजों को जरूर ध्यान दें कि हम लोगों ने, और देखिए मुझे तो प्रसन्नता होती कि अगर SDG पर हुई एक लंबी चर्चा के दौरान उस समय समाजवादी पार्टी भी सदन का हिस्सा बना ही बनी होती, नहीं बनी थी, क्योंकि वो चर्चा थी गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक गंभीर चर्चा थी। उस चर्चा से समाजवादी पार्टी और हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस समय वॉकआउट कर गए थे। हां, कुछ मान्य सदस्य थे जो प्रगतिशील सोच के थे, उनका कहना था कि भाई देखिए समाजवादी पार्टी समेत कुछ जो अन्य दल हैं इनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए वे लोग सदन में आए, उन्होंने अपने भाषण भी दिए, अपने सुझाव भी दिए, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बहुत सारे माने सदस्य, यानी अगर समूचा विपक्ष भी उसका हिस्सा बना होता तो मुझे लगता बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जब हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब अवसर मिला तब हम लोगों ने इस दिशा में क्या किया, और वो चीजें अगर आगे बढ़ी होती तो बहुत अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर बनी होती। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थिति, पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर UG और PG की सीटों में वृद्धि, प्रदेश के अंदर जो 16 असेवित जनपद थे वहां पर एक एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई, ये सभी चीजें आज जिसके माध्यम से राज्य सरकार तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 40 सालों में नहीं हो पाया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, इनके उन्मूलन के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इसके उन्मूलन के दिशा में भी बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने दिया, उत्तर प्रदेश को आज इसके बारे में। दूसरा, स्वास्थ्य के इंडिकेटर के बारे में भी आपने चर्चा की, और मैंने परसों भी कहा था कि जो NHS 4 की जो सर्वेक्षण थी उसके तुलना में, या आपके समय का सर्वेक्षण था और हमारे समय का जो आया था उसमें मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में, इसमें सभी मानकों में प्रदेश में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अगर संस्थागत प्रसव में आप देखेंगे 67.80% से ये बढ़कर के 83.4% हुआ है। इसी प्रकार टीकाकरण में लगभग 70% बच्चों को, जो 12 से 23 माह के बच्चे हैं उनको टीकाकरण का कार्य पूरा किया गया। सेक्स रेशियो में काफी सुधार हुआ है। ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हुई प्रोग्रेस को भी प्रदर्शित करता है। प्रदेश के अंदर
आपका ये कहना था कि इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू हुई है उसकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि जो एमओयू यहां हुए थे उसमें से ज्यादातर में प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है और जो कुछ बाकी हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिलायंस जियो, इंफोकॉम, 10,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसके लिए उनका कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। सैमसंग का 5,000 करोड़ रुपए के डिस्प्ले यूनिट की स्थापना यहां पर हुई है और उसने प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है। डाटा सेंटर की स्थापना हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा, विवो और ओप्पो मोबाइल फोन के द्वारा भी यहां पर निवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ ही उनके प्रोडक्शन भी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इस दौरान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और मैं तो आमंत्रित करूंगा आप लोगों को कि 3 जून को 80,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का एक आयोजन हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई एक साथ प्रदेश के अंदर पहली बार होगी। आपने स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है वर्तमान में। मैं वही बता रहा हूं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रदेश के 10 शहरों का चयन किया। अब क्या सत्य है? अगर आपने काम किया होता तो आपको सत्य की जानकारी भी होती, लेकिन क्योंकि सत्य से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं तो इसलिए कौन। लेकिन महोदय बाकी जो 7 नगर निगम थे उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इसमें चुना और इस मामले में तेजी के साथ कार्य हुआ। हम लोगों ने जो सबसे अच्छा उसमें जो कार्य प्रारंभ किया उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन के उस मॉडल को भी उसमें लागू किया, जिसमें केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के साथ साथ राज्य सरकार के स्तर पर भी उसमें कुछ योगदान दें और खासतौर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जिसने कोरोना कालखंड के अंदर प्रदेश के अंदर कोविड कंट्रोल के लिए भी ICCC का काम किया है और बेहतरीन परिणाम उसके आए हैं। उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश के अंदर जो ये मॉडल हमारे पास ITMS का था, इन्हीं सब कार्यक्रमों को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में उसका भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया और हर जनपद में उन कार्यक्रमों को हमें सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य किया। ITMS के साथ साथ स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट हेल्थ ATM, वाटर रियूज प्रोजेक्ट, वाटर बॉडी से जुड़े हुए तमाम हमारे कार्यक्रम थे, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे और इन सभी कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को एक साथ लागू करने का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इसी में उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए आज उसी का परिणाम है। 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के शहरों की जो दुर्गति थी 17 से 22 के बीच में उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और परिवर्तन देखने के लिए व्यक्ति को उस खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता भी है और अगर उन्हें अंगीकार कर ले तो दिखाई देता है, लेकिन जब आप कार्य नहीं करना चाहेंगे। अब भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अप्रैल 2022 में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव था, उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में स्मार्ट सिटी में आगरा को नंबर 2, स्मार्ट सिटी वाराणसी को नंबर 3, स्मार्ट सिटी सहारनपुर को 1, कुल 6 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को अलग अलग सिटी को प्राप्त हुए थे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी शहरों की जो अद्यतन जो टॉप 20 की जो सूची है भारत सरकार की, जो 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर विकसित हो रहे हैं उसमें से 4
आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ, इनकी रैंकिंग भी आगरा 4 पे, वाराणसी 5 पे, प्रयागराज 13 पे और लखनऊ 15वें स्थान पर उसमें आज स्थान प्राप्त किया है। अयोध्या बन रहा है, अयोध्या स्टेट कर रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अयोध्या को हम लोगों ने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया है और कार्य चल रहा है वहां पे, और उसको उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, इसके साथ ही बहुत बड़ा कार्य इसमें है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नेता प्रतिपक्ष को बार बार चिंता होती है, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है 2016-17 की तुलना में, ये 2016-17 में आपकी जो क्षमता थी वह मात्र 16,348 मेगावाट थी, और वर्तमान में यह 28,000 मेगावाट की हुई है। प्रदेश के अंदर जो आगामी 2 वर्षों में हम ओबरा सोनभद्र की 1320 मेगावाट, जवाहरपुर एटा में 1320 मेगावाट, घाटमपुर कानपुर देहात में 1980 मेगावाट, पनकी कानपुर में 660 मेगावाट, कुल 5,280 मेगावाट की परियोजनाओं को हम पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्य भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा जो कार्य आगे बढ़ाए गए हैं वह मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में है, और प्रदेश की दिशा, प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो हर व्यक्ति जानता है, अब कोई वीआईपी जनपद नहीं है, सभी 75 जनपद वीआईपी हैं, और सभी में समान रूप से विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हम लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं 2017 के साथ। महोदय, इसके साथ ही नमामि गंगे की चर्चा भी यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की थी। नमामि गंगे की चर्चा करते समय उन्होंने मां गंगा और नमामि गंगे परियोजना, तो एक माननीय सांसद के रूप में भी आपने संसद में काफी दिन व्यतीत किए हैं, और आपको मालूम होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो थीमी है वो ये कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर के ही है। इसमें यमुना नदी भी है, महाकाली भी है, सरयू भी है, यमुना भी है, सभी नदियों को उसके साथ जोड़ा गया है और इस पर कार्य हो रहा है। आपको केवल उदाहरण में बताऊंगा, सीसामऊ 2017 के पहले 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां गिरता था, आज 0 है। जाजमऊ गंगा जी में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे, इतना जहरीला वेस्ट उद्योगों का वहां गिरता था और कोई जलीय जीव भी नहीं बचा था। स्मार्ट सिटी आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फरवरी 2020 में कानपुर में पधारे थे, और कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ सीसामऊ जो पहले सिवर पॉइंट था उसको सेल्फी पॉइंट के रूप में हम लोगों ने बदल करके वहां पे जाकर के सेल्फी लेने का काम सभी लोगों ने किया। चेंज है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण है, अविरल गंगा निर्मल गंगा।
24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आता है, अभिभूत होकर के जाता है। स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कैसे होता है, इसकी परिकल्पना को साकार होते हुए भी प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने और दुनिया ने देखा है। और यही नहीं, प्रयागराज कुंभ के साथ महोदय मुझे याद है, मैं पिछले वर्ष वाराणसी में गया था। वाराणसी में पानी काफी बाढ़ आ गई थी, तो मैं एक मोहल्ले में था, एनडीआरएफ की टीम साथ में थी। एनडीआरएफ की टीम से मैंने पूछा इसके बारे में, मैंने कभी, खैर हम एनडीआरएफ की स्टीमर से जा रहे थे, देख बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, कुछ मोहल्लों का भ्रमण कर रहे थे। तो एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मैंने पूछा, मैंने कभी नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखता है, आप कब से हैं और क्या इसका परिवर्तन है। उन्होंने कहा देखिए मैं पिछले 4-5 वर्षों से इस अभियान के साथ जुड़ा हूं, इस यहां पे एनडीआरएफ के साथ जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले जब नमामि गंगे परियोजना लागू नहीं हो पाई थी और 2017 के पहले रुचि न होने के कारण दावे बढ़े कितने बड़े बड़े हो जाएं, कोई योजना ईमानदारी के साथ लागू न होने के कारण जब हमारे जवान प्रैक्टिस करते थे, एनडीआरएफ के जवान, उनका कहना था हम जब लोग प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, तो 3-4 दिन के प्रैक्टिस में हमारे पूरे बॉडी पर लाल लाल पोले हो जाते थे, चकते पड़ जाते थे। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे स्किन के स्पेशलिस्ट हमें कहते थे कि कोई आप बहुत संक्रमित उसके सामने चपेटे में हैं, इससे आप अपने को बचाव करिए, यानी इतना प्रदूषण था। और उन्होंने कहा आज जब हमारे जवान आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, नियमित हमारी प्रैक्टिस होती है, आज कुछ भी नहीं होता है, ये एक व्यापक परिवर्तन नमामि गंगे परियोजना के पहले और बाद के परिणाम में। दोस्तों उन्होंने कहा प्रसाद के बाद एक बार आइए, अक्टूबर नवंबर में आइए, आपको पहले गंगा में डॉल्फिन नहीं दिखाई देती थी, आज गंगा में डॉल्फिन आपको दिखाई देगी, ये गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का परिणाम है। और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम क्या है, मुझे लगता है डॉल्फिन की चर्चा तो आपके, हाँ डॉल्फिन एक गंगे डॉल्फिन के रूप में मानी जाती है और गंगा की निर्मलता में भी उसका बड़ा योगदान रहा है, ये माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है, जीवों में सबसे, यानी जिसको आप सेंसेटिव बोल सकते हैं, संवेदनशील बोल सकते हैं, वह डॉल्फिन उसमें होता है। डॉल्फिन आज गंगा में फिर से उस दिखाई दे रहे हैं। और डॉल्फिन उन लोगों ने मुझे वहां दिखाया, गंगा में डॉल्फिन का आना, आपके राज्यसभा के जो मान्य सांसद संसद में हमारे साथ लोकसभा में थे, कुंवर रेवती रमण सिंह जी, वो तो बार बार इसकी चर्चा करते थे, प्रयागराज की जब चर्चा होती तो इसकी चर्चा करते थे डॉल्फिन के बारे में। कांग्रेस सरकार के समय मेरा एक कॉलिंग अटेंशन था संसद में, उस पर भी उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, मजबूती के साथ रखते थे। और डॉल्फिन आज फिर से दिखाई दे रही है गंगा जी में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण हमारी आस्था का भी सम्मान हुआ और अब तो गंगा आस्था का भी सम्मान कर रही है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है, अब वहां से एक्सपोर्ट भी हो रही है, तमाम चीजें अब एक्सपोर्ट होनी प्रारंभ हो चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं कि किस तेजी के साथ कार्य हो चुके हैं और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 70 से अधिक नदियां जो लुप्त प्राय हो चुकी थी, हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से ही उन सभी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसमें नून है, अरिल है, मंदाकिनी को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, तमसा है, टेढ़ी है, मनोरमा है, पांडू है, तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर कार्य हुए हैं और वे पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिए हैं। महोदय ये सभी कार्य आज प्रदेश के अंदर हुए हैं। आपने सैनिक स्कूलों की भी चर्चा की थी,
तो सैनिक स्कूल की चर्चा भी मैं आपको यहाँ पे बता ही दूं कि 2012 से 17 के बीच आपने सैनिक स्कूल के लिए 162 करोड़ रुपए आपने आवंटित किए थे। हम लोगों ने 216 करोड़ रुपए सैनिक स्कूलों के लिए प्रदेश के अंदर आवंटित किए और नए बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। पहली बार सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जाए, यह प्रावधान यूपी ने प्रारंभ किया। यही नहीं, उनकी क्षमता को दोगुना किया जाए। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला था 1960 में। आज कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश आज अपनी दुगनी क्षमता के साथ कार्य कर रहा, बालिकाएं भी वहां पर प्रवेश ले चुकी हैं, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में हम लोग जो सैनिक स्कूल के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश में 5 सैनिक स्कूल वर्तमान में यानी 4 क्रियाशील हो चुकी हैं, 5वां क्रियाशील होने की ओर अग्रसर है और हम लोगों ने 16 नए सैनिक स्कूल, हमारा प्रयास है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना हो। आप स्कूली मॉडल की बात कर रहे थे, स्कूली मॉडल अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है कि मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अच्छा होगा इस समय ऑपरेशन कायाकल्प के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल आज तैयार हुए हैं उनमें से एक आपका विजिट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक मॉडल हम लोग दे रहे हैं, हो सकता है कि पिछली सरकारों की दृष्टि उधर न गई हो, लेकिन ये मॉडल हम लोग दे रहे हैं, हर कमिश्नरी में एक मॉडल स्कूल हम लोग इस रूप में बना रहे हैं, वह है अटल आवासीय विद्यालय का, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को, जिसमें अनाथ बच्चों को उन विद्यालयों में रखने की व्यवस्था और उनकी सारी व्यवस्था का कार्य सरकार वहां पर करने जा रही है और नए सत्र में हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी बिना किसी भेदभाव के सभी 18 कमिश्नरी स्तर पर पहले एक एक विद्यालय हम लोग ले रहे हैं, फिर इसको हम हरेक जनपद की तरफ अग्रसर करेंगे, जनपद में एक एक, फिर विकास खंड में एक एक और फिर न्याय पंचायत स्तर पर एक एक मॉडल स्कूल इस प्रकार का अगर हम दे देंगे आमूलचूल परिवर्तन प्रदेश के अंदर होगा। और इसमें मॉडल हम देंगे जैसे सैनिक स्कूल पहले स्टेट और सेंटर के स्तर पर उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया 1960 में, आज देश के अंदर कई सैनिक स्कूल हैं। आज प्रदेश के अंदर 5 सैनिक स्कूल वर्तमान में हैं, हमने 16 के नए प्रस्ताव भेजे हैं, हम तेजी से उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सैनिक स्कूल भी अब पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा चुका है। और यही हम लोग चाहेंगे कि जितना पैसा शिक्षा के उस पर हम लोगों ने वर्तमान में दिया है, ये पैसा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का कारक बने, इस दिशा में भी हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने कानून व्यवस्था की बात भी की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, आपने दोनों को जोड़ा था कि आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग क्राइम में यूपी आगे बढ़ा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे लगता बड़े गौर के साथ अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष इसको सुन पाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी 15-16 में 14वें स्थान पे थी यूपी की। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था और उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने भी पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इसकी रैंकिंग में व्यापक सुधार करते हुए हम नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर आए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म किए गए, पुलिस को तकनीक से पूरी तरह भरपूर किया गया और उसका परिणाम भी आया है महोदय। 2016 की सापेक्ष 2021 में, ये एनसीआरबी के डाटा है, कहीं और हमारे डाटा नहीं, एनसीआरबी के डाटा है, 2016 के सापेक्ष 2021 में
डकैती के मामलों में 73.94% की, लूट की घटनाओं में 65.88% की, हत्या के मामले में लगभग 34% की और बलात्कार के मामलों में 50.66% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के जो डाटा हैं वह डाटा आपके सामने में रख रहा हूं। और यही नहीं, माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 2081 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी हम लोगों ने उनकी जब्त की है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से भी 64,398 हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया है। और प्रदेश के अंदर जो परिणाम सामने आए हैं सबके सामने हैं कि आज उत्तर प्रदेश के किसी नौजवान के सामने अपनी पहचान का संकट, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संकट उनके सामने नहीं है। प्रदेश के अंदर सरकार ने बहुत सारे चीजों पर कार्य प्रारंभ किया है और मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा। खास तौर पर जो चीजें आप यहां पर कह रहे थे, आपने गन्ना किसानों की बात की थी, गन्ना के नौ किसानों की स्थिति क्या थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय और वर्तमान में क्या है, यह भी आपके सामने मुझे लगता है कि रखने की आवश्यकता है। विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 1,74,383.81 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, यानी 1,74,383.81 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है गन्ना किसानों का। और अगर आप देखेंगे अभी भी आ रहा हूं मैं उस पे भी, अभी भी ये अंतिम तिथि है आज मई महीने की, अभी हमारी 120 चीनी मिलें हम लोगों ने इस सत्र में चलाई थी, 4 चीनी मिलें अभी भी हमारी चल रही है और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना होगा, एक भी डंठल गन्ना होगा, तब तक चीनी मिलें चलेंगी। राज्य सरकार का जो पहले दिन का संकल्प है हम उसको लेकर के आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान कब कब कितना हुआ है अगर इसके बारे में भी अगर आप देखेंगे तो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा कि कैसे, यानी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर, यही नहीं गन्ना किसान को घड़तोली से मुक्त करने की कार्रवाई रही हो, पर्ची की ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए जो कार्रवाई की गई हो, या भूतपूर्व है तकनीक का उपयोग किया गया, सीधे किसान के स्मार्टफोन पर ही यह सुविधा दे दी गई है कि उसको पर्ची की सुविधा उसके स्मार्टफोन पर आ जाएगी और किसान आज उससे लाभान्वित हो रहा है। कोई घड़तोली नहीं, पर्ची का कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, कोई कालाबाजारी नहीं हो सकती है। इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, केन प्रोडक्शन पर नंबर एक है, एक नंबर एक पर है। ये सभी कार्य इस दौरान हुए हैं और महोदय हम लोग इस सत्र के साथ ही हमारा जो प्रयास है बजट में भी हम लोगों ने कुछ गन्ना मूल्य के भुगतान की राशि कॉपरेशन और फेडरेशन से जुड़ी हुई चीनी मिलों का प्रावधान किया है, बाकी ये मिलें अपने स्वयं के रिसोर्सेज से भी उसको भुगतान करने की स्थिति में होंगी। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम लोग कर चुके हैं, मात्र 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो गन्ना मूल्य का भुगतान है यह भी समय से किसानों को, गन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, सरकार उसको भी पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां पर कार्य कर रही है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। मुझे लगता है कि रमाला चीनी मिल आज भी चल रही है, इस समय भी चल रही है। मैंने पहले कहा था कि धान क्रय में और गेहूं क्रय में हम लोगों ने किसानों के खाते में कितना पैसा भेजा था, अगर हम देखेंगे तो अगर आ रहा है उसमें भी आ रहा हूं मैं, धान क्रय में 12 से 17 के बीच में मात्र 17,190 करोड़ रुपए गया था और यहां किसान के खाते में नहीं गया था, पैसा ज्यादातर आढ़तियों के पास गया था। लेकिन 17 से 22 के बीच में, देखिए 12 से 17 के बीच में
कुल 17,190 करोड़, लेकिन 17 से 22 के बीच में 47,244 करोड़ रुपए से अधिक की राशि धान उत्पादक किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम हुआ है। ऐसे ही गेहूं उत्पादक किसानों के पास भी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से इस पैसे को उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया और सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। एक जो योजना यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, पुरानी पेंशन स्कीम की बात इन्होंने कही, ओल्ड पेंशन स्कीम। प्रदेश सरकार ने पहले, मैंने कहा कि अपने सभी कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह संरक्षण देने के लिए सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। आज अभी ई पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू की। अब किसी भी कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए कार्यालयों की दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, एक ऑटो मोड पर सभी कार्य अपने आप आगे बढ़ेंगे। अभूतपूर्व कार्य हुआ जी, बहुत तकनीक के साथ उसे जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किसने की? क्या तब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी क्या? 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्या कर रहे थे? जब स्कीम लागू की गई थी उसके 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और वर्मा जी तो जो है जहां मीठा खाने के लिए मिले वहीं लपक पड़ते हैं, यानी सपा हो या बसपा हो दोनों के श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। जो समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी 5 साल तक, आप तब भी थे, कभी आप लोगों ने तभी मुद्दा नहीं उठाया। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों के प्रति कितना अनर्थ किया था। एक न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो प्रावधान था कि इन कर्मचारियों के अकाउंट सरकार खोलेगी, स्टेट शेयर देगी, दो हजार चार पांच से लेकर के 2017-18 तक वह राशि ना अकाउंट खुले थे ना राशि जमा हुई थी, कोई राशि जमा नहीं हो पाई थी। जब यह मामला मेरे सामने आया था 17-18 में, कर्मचारी संगठनों ने मेरे सामने इस बात को रखा, मैंने यहां पे एक कमेटी गठित की थी और इस बात को हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि ये जो कर्मचारियों का पैसा यानी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का भी होना था और स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन उसमें होना था, लेकिन वो तब होता जब अकाउंट खुलते, नहीं खोले गए थे। हम लोगों ने अकाउंट भी खोले, हमने बजट से 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी हर कर्मचारी के उसमें जो स्टेट शेयर होना चाहिए था वो भी जमा किया, और स्टेट शेयर 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी तब स्टेट शेयर 10% था, हमने उस राशि को बढ़ा के 14% भी हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। आपको 5 साल मिला, आपने उनके बारे में नहीं सोचा? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लागू हुआ था, तब आप लोगों ने उसकी चर्चा नहीं की, उसको उस समय रोका नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार में थी तब भी उसको लागू नहीं किया गया, और आज केवल चुनावी लाभ हानि के लिए, केवल कर्मचारियों को बहकाने के लिए इन लोगों के द्वारा सगुफा छोड़ा गया। हर व्यक्ति जानता है कि इनको जब कर आना ही नहीं था तो फिर बोलते कुछ भी दो जी तो उससे क्या होने वाला है, और यही सब होता था। जनता भी जानती थी कि जब आना ही नहीं है तो इनकी बात को ध्यान भी मत दो, एकदम जनता भी उसको उसी रूप में ली थी। ये जितनी भी सुविधाएं थी कर्मचारियों के हितों के लिए राज्य सरकार ने उसको अपने स्तर पर, हमने इसको पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर यहां पर लागू करने का प्रयास हुआ है। महोदय, तो यहां पर खन्ना जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया, इसमें
अगर हम देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र में 48,345 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले बजट से 26% अधिक है। पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, सुरक्षा का बेहतर माहौल और उनकी सुविधाओं के लिए, आवश्यक सुविधा आदि के लिए भी हम लोगों ने बजट में 32,811 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। कृषि, उद्यान और सहकारिता के क्षेत्र में 17% के बजट का प्रावधान, दुग्ध पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, मत्स्य में 18% का, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास में वृद्धि 11% की, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 34% और आयुष में 27% की वृद्धि भी इस बजट में की गई है। प्रदेश के युवाओं और बच्चों की शिक्षा पर भी 87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो बजट प्रावधान किया गया उसमें 58% का भूतपूर्व वृद्धि भी की गई है। 16-17 में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ी हुए बच्चों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था, नहीं दिया था। हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने फिर विशेष प्रावधान करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। महिला और बाल विकास के लिए भी 28% की वृद्धि की गई है, जो 5 वर्ष में इस मत पे आने वाली राशि की दुगनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखेंगे 16-17 की तुलना में इसमें हम लोगों ने 37% की वृद्धि की है, 37% की इसमें अतिरिक्त वृद्धि हुई है। प्रदेश में आज 22-23 में 1,36,681.67 करोड़ रुपए का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो व्यय है, इसमें कुल बजट का 22.2% है। और महोदय, यह 16-17 की तुलना में अगर मैं इसकी तुलना करूं तो यह लगभग 104% अधिक है। यानी 5 वर्षों में हम इस राशि को इतना बढ़ा पाए हैं, 104% अधिक है। प्रदेश में ऐसे ही अन्य योजनाओं को लेकर के ये पावर और डिस्कॉम से जुड़े हुए क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने अभूतपूर्व वृद्धि की है। अन्य सभी क्षेत्रों में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं पहले बहुत बता चुका हूं, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,67,000 करोड़ 67 लाख जो लाभार्थी हैं, इनको वर्ष में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराने, होली और दीपावली में 2 सिलेंडर फ्री में होने लाभार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास योजना में 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन पेंशन योजना में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथ साथ प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए, अटल आवासीय विद्यालय के लिए, प्रदेश में भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए भी, जो भामाशाह भाव स्थिरता कोष है इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें स्थान दिया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए भी 650 करोड़ रुपए जिसमें बटाईदार को पहली बार लिया गया था, किसान, किसान के परिवार के बालिक सदस्य और बटाईदार भी उसका हिस्सा होगा। 15 यानी सरकार अब उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे।
15,000 सोलर पंप की स्थापना की कार्रवाई के लिए बजट में स्थान दिया गया है और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रावधान किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है और MSP का लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो इसके लिए 17,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा का हो, माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत के लिए भी 324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के लिए व्यवस्था की गई है। असेवित मंडलों में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है और प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी 103 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में करने की कार्रवाई भी इसके साथ किया गया है। महोदय, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे हेल्थ सेक्टर में भी, जिसमें इसमें पहले भी मैंने अपनी बातों को इसमें रखा, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 897 करोड़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़, महोबा और अन्य औद्योगिक हमारे जो एक्सप्रेसवे हैं उनमें औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की और सी पेट की स्थापना अयोध्या में हो इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए साथ साथ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए भी जो परंपरागत हस्तशिल्पी हमारे हैं उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में यहां पर माननीय सदस्यों ने एक बहुत चिंता व्यक्त की है और जायज भी है, खासतौर पर पेयजल के बारे में। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है और इसमें नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नल से हो सके इसके लिए अमृत दो में 2,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। और मैं चाहूंगा कि नगर विकास इस योजना के साथ माननीय विधायकों को थोड़ा जोड़ें, इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां पे समरसेबल लगा करके हम पाइप कनेक्टिविटी दे सकते हैं तत्काल योजना से माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़ करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे तो हैंडपंप की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा और इस योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए और ये प्रदेश के हम सभी 734 नगर निकायों में बराबर लागू करेंगे। दूसरा, प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 210 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था की है। मेट्रो परियोजना और RRTS परियोजना के लिए भी 2,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हम इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक हर घर नल की योजना इन क्षेत्रों में लागू हो। इंसेफ्लाइटिस और आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ खारा पानी वाले क्षेत्रों में और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम लागू हो इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मैं चाहूंगा कि इसमें नमामि गंगे, जल ग्राम्य विकास विभाग, ये सभी इसके साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को जोड़े, प्रयास हो कि हम लोग हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम हो सके और समय पर सक्षम हो सके। इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने के समय विगत 5 वर्ष के अंदर 36 लाख नए पाइप पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन अभी इस लक्ष्य को बहुत तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हर घर तक पहुंचाना है
और उस कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेट्रो के साथ साथ वाराणसी में रोपवे के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना के अंतर्गत और के लिए भी धनराशि का प्रावधान पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए तो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी 2751 करोड़ रुपए का बजट भी हम लोगों ने किया है। खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए भी इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। अपने युवाओं के लिए भी टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया प्रदेश ने किया है। अभ्युदय कोचिंग के लिए हमारा युवा कोचिंग यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए उसे उत्तर प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की है। उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट वहां पर उन्हें उसका लाभ दे रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, कल यूपीएससी की जो टॉपर सूची आई थी वह उत्तर प्रदेश की एक बालिका बिजनौर से है। और मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को इस अवसर पर बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस ऊर्जा का लाभ देश के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और अभ्युदय कोचिंग के परिणाम भी बेहतर आने प्रारंभ हुए हैं। अब तक हम 18 कमिश्नरी में इसको लागू कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको बहुत शीघ्र सभी 75 जनपदों में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हो। इसके लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था की है और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए भी 25 करोड़ के एक प्रस्ताव को हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, वीरांगना चलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन, वीरांगना अवंती बाई महिला बटालियन बदायूं में और वीरांगना उदा देवी महिला बटालियन लखनऊ में, इनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत भी बजट का प्रावधान किया गया है और साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो जाएगी और बजट में हमने इसके लिए राशि की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी है। भव्य और दिव्य कुंभ 2025 का प्रयागराज का हो, अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ पूरी कार्य योजना लागू करने के बाद अब हम इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश के बुजुर्ग संतों पुजारियों पुरोहितों के लिए भी एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर लोक परंपरा और लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए संत कबीरदास जी के नाम पर भोजपुरी एकेडमी, बुंदेली भाषा के लिए केशवदास बुंदेली एकेडमी, अवधी भाषा के लिए गोस्वामी तुलसीदास अवधी एकेडमी और ब्रज भाषा के लिए संत सूरदास ब्रज भाषा एकेडमी की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान, लोक परंपरा लोक संस्कृति और लोक गाथाओं को संरक्षित करने के लिए भी यहां पर व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट, निषादराज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर, देखिए संजय जी हंस गए हैं, आप ही बता रहा हूं हंसे हैं, देखिए आप वहां से प्रस्ताव करिए हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। महोदय इसके साथ ही चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का, वाराणसी में संत रविदास जी का, श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुहिया से संबंधित जो पर्यटन विकास के जो भी कार्यक्रम होने हैं हमने पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है।
संत तुलसीदास जी का राजापुर आधुनिक रामायण है, रामचरितमानस, और रामचरितमानस के माध्यम से जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने कही थी, आज भी अक्सर सही होती भी दिखाई देती है हमारे लोक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में। उनके उस राजापुर की पवित्र जन्म भूमि के भी विकास की एक व्यवस्थित कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। नैमिष तीर्थ के लिए, एक विकास के लिए, विकास कैसे होना चाहिए, पर्यटन विकास की संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अंतर यही है, फर्क साफ है। पहले पैसा कब्रिस्तान के विकास के लिए आप खर्च करते थे, आज हम लोग तीर्थ स्थलों के विकास के खर्च करते हैं। महर्षि वाल्मीकि आपको स्मरण नहीं आए थे, संत रविदास जी नहीं स्मरण आए थे, संत तुलसीदास जी याद नहीं आए थे, संत कबीरदास जी भी याद नहीं आए थे। कबीरदास जी का जो भव्य कबीर एकेडमी बनी है, महामहिम राष्ट्रपति जी 5 जून को उसका उद्घाटन करेंगे मगहर संत कबीर नगर जनपद में, जिसमें कबीरदास जी के उस पूरे लोक साहित्य पर शोध को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी होगी। ये कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और ये यही नहीं, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी लखनऊ में उनका भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। इसमें भी स्कॉलरशिप की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना के लिए भी सरकार ने बजट का एक टोकन, आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार एक पहले मद खोलती है और फिर बजट आवश्यकता के अनुरूप वहां पे आता है। बजट का कमी नहीं होती है, कमी होती मनसा की, इच्छा शक्ति की। और इतने सीनियर सदस्य होकर के आप इस बात को, राशि महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण यह होता है कि मनसा क्या है। लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पे, सरदेव कल्याण सिंह जी ने सरकार का मॉडल क्या होना चाहिए 1991 में उनके द्वारा स्थापित सरकार, उसका एक आधार है। और कल्याण सिंह जी ने हम लोगों को जो नजीर दी, वह आज भी प्रदेश और देश के सामने को बनता है। और मुझे लगता है कल्याण सिंह जी के नाम पर ग्राम्य विकास की अवधारणा को लागू करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 7373 करोड़ रुपए ग्रामीण बसावटों में ऑल वेदर रोड के लिए, 1965 करोड़ रुपए निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और महोदय, ये सभी प्रावधान यहां पर किए गए हैं। प्रदेश में मैंने पहले भी कहा कि जितने भी बजट में प्रावधान किए गए हैं, ये सभी आप सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर हो रहे हैं, और उन प्रस्तावों को लागू करने की जमीनी जो स्थिति है वह भी आप ही के स्तर पर होना है, आप ही के प्रस्ताव पर उस आगे भी बढ़ना है। राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हर माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य जमीनी धरातल पर उतर करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को ये पूरा कर सके। गरीबों के जीवन, प्रदेश के गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए उन्हें उन्नयन की दिशा में अग्रसर कर सके। देश के युवाओं के जीवन को और बेहतर करने की दिशा में कार्य कर सके। महोदय, यह बजट युवा पीढ़ी को सशक्त बनाएगा, भारत के भविष्य के प्रतीक के रूप में अपने युवाओं को स्थापित करेगा। प्रदेश में महिलाओं विकास की योजनाओं में मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। गरीब, किसान, वंचित और समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।
यह बजट 21वीं शताब्दी के तीसरे जो हमारा दशक चल रहा है, यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इस पूरे एक दशक के अंदर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने की मंशाओं को स्थापित करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट उसका प्रतिनिधित्व करेगा और इस दिशा में हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके जब हम कोई बात कहते हैं तो तब जाति, मत, मजहब ये सब नहीं आना चाहिए, तब इससे ऊपर उठकर हमें काम करना होगा और उस दिशा में ही सरकार कार्य कर रही है। और इसलिए महोदय मैं केवल यही कहूंगा जो सदैव अटल जी ने कही थी बात, नेता प्रतिपक्ष भी उस चीज को, कल उन्होंने सदैव अटल जी को स्मरण किया था, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि बहुत बंटवारा किया आप लोगों ने प्रदेश में, बहुत विभाजन किया, बहुत जो इस प्रकार की बात की आपने, कल बात कही थी यहां पे, खासतौर पर पिछड़ों की बात की थी, दलितों की बात की थी, तो हमारा वंचित और दलित भाई जानता है कि समाजवादी पार्टी कितना उनका हितैषी रही है, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी, नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदल दिए गए थे, तमाम अन्य कार्यक्रम, तमाम अन्य प्रकार के खड़े तो होते रहे। और क्या हमें लगता नहीं जब हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, हाँ हम तो बात कर रहे हैं, हम नारों नहीं, जब हम लोग 45.5 लाख गरीबों को मकान देते हैं तो किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखते हैं। इस देश का, प्रदेश का गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित, पिछड़ा, ये सभी उसका लाभ लेता है। जब 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े के घर में ये बनते हैं, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बनता है। प्रदेश में जब 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती है तो प्रदेश के हर एक गरीब को, हर एक वंचित को, हर एक दलित को, हर एक पिछड़े को उस योजना का लाभ मिलता। आज ये नहीं होता है कि हम भर्ती निकालें और भर्ती में एक जाति विशेष के सभी लोगों को भर दें, नहीं होता है। आज मेरिट के आधार पर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और मैं इसलिए आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि अब हमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, 25 करोड़ लोगों के बारे में सोचना होगा। ये जो सुरक्षा का माहौल, ये प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, प्रदेश के जीवन में व्यापक परिवर्तन का जो कारक बना है, इसमें हम सब सहभागी बने, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और सदैव अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हम सभी सदस्यों को उसके बारे में भी सोचना होगा। उन्होंने कहा था, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और सदैव अटल जी के अगर इन बातों को अगर आप कुछ भी समझने का प्रयास किए होते तो संभवतः बजट भाषण का रूपांतरण कल नहीं करने का प्रयास किया होता। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरे बजट भाषण पे, सचमुच 124-125 सदस्यों का प्रतिभाग होना, इतनी गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाना और बहुत व्यवस्थित रूप से विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ सके। अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि यहां पर अन्य कोई चीज, खासतौर पर विधानमंडल के हमारे सदस्यों की निधि के बारे में कोई उनका प्रस्ताव हो तो मैं चाहूंगा कि वह इसके बारे में अपनी बात एक बार जरूर कहेंगे। दूसरा, अगर उनका प्रस्ताव किसी अन्य मुद्दे पर हो तो मैं उनको स्वागत, इसके लिए सादर आमंत्रित भी करूंगा कि वह अपनी बात इसमें रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से पूरे माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं यह बजट उत्तर प्रदेश जनता के हितों को ध्यान में रखकर के बनाया गया है। और मैं इस अवसर पर पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर उस लोक पूज्या माता को भी विनम्र नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।